खुश आमदीद मरबा एंड वेलकम टू आर रमज़ान स्पेशल व्लॉग। तो आज का सीन हमारा सहरी का होने वाला है। और कितने बज रहे हैं इससे? दो यार, सब सब सबकी हालात फुल टायर्ड हुए हुए हैं, सो के उठे यार। हम मैच देख के आ रहे हैं तो हमारे तो इस वजह से हालात टाइट हुए हैं, लेकिन ये जो हसना साहब है ना, मैं तो बहुत फ्रेश हूँ। ये घर पे सोया पड़ा था, इसको फोन करके जगाया कि भाई उठ चल सैरी करने चले। तो प्लान क्या था सैरी का? सैरी किधर करने जाना है यार? मेरा तो इरादा था कि कहीं लक्ष्मी जाते हैं और वहाँ जाके, मैं नजर नहीं आ रहा वैसे किधर गया। हाँ नजर आ रहा, टेंशन नहीं। ये सोचा था कि हम लक्ष्मी जाते हैं, वहाँ जाके ना कुछ देखते हैं। वैसे वहाँ पे मैंने देखा था काका करके कुछ है जिसके पास नाश्ता नुश्ता है, काका लभी है पहले। नाम भी पता ना यार, नाम तो खाना है ना, तो बल्कि अच्छा है भाई, डाइजेशन रोकता है, खाना अंदर रहेगा। वाह शाबाश यार, लॉजिक दिया देखिए। जो वर्ड्स कॉन्स्टिपेशन करता है, कहते हैं कि वो डाइजेशन रोकता है, शाबाश है बेटा। इतनी प्यास लगती है ना खाना खाने की। यार कोई बात नहीं, देख लेंगे। अभी ये फरदीने को उठाने आए हुए हैं। लस्सी पी के थोड़ा सो जाने भाई, मैं तो सोना तो ऐसी बात है, सहरी करके सोना नहीं। तो तूने तू कौन सा काम करता है? मुझे एक बात बता, जब जब मैं इस जब जब मैं इस बंदे के ऑफिस आया हूँ ना, ये वेल्ला बैठा होता है और यहाँ ऑफिस के बाहर घूम रहा होगा। एक दफा मैं इसके ऑफिस आया, कहता चल मॉल वन चले। हाँ भाई, उधर वीडियो देख रहा है बैठ के, उधर भाई मैंने इसको सारी रिपोर्टें दी हुई है। तो खैर अभी चलते हैं, अभी फरदीने को उठाते हैं। और फरदीन क्या कर क्या रहा है? पैंट कोट पहन रहा है, शेरवानी। ये भी भाई साहब फुल तैयार हो गए हैं, देख लेना आप लोग। ये देख, ये देखो भाई, माशाल्लाह जी फुल तैयार हो के। भाई पहले मिले था बंदा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर अभी निकलते हैं हम सैरी के लिए। अच्छा तो अभी हम लोग आए हुए हैं काका गुर्दा चाप, गुर्दा चाप शॉप सैरी करने के लिए। कहते हैं कि यहाँ की जो खाने हैं बहुत मजेदार है। लक्ष्मी चौक पे काका गुर्दा चाप, ये सामने यानी जहाँ पे ये बड़ कढ़ाइयाँ वगैरह यहाँ पे ये, और इसका टका टका काफी फेमस है। लेकिन खा के देखते हैं कि कैसा है। असलान इनकी स्पेशल डिशेस क्या क्या है यार? मैं खुद आ जाया हूँ यार। काका काका तूने ऐसे लगा के रखी है तो यार, मैंने नाम बड़ा सुना ना, इसलिए मैंने कहा चलो आज जाके ट्राई कर लेते हैं। हाँ चलो देखते हैं खाते हैं। सुन लिया दो तीन लोगों ने इधर से, आप हर जगह नाम ही सुनते रहते हो यार। इसका मैंने बड़ा नाम सुना है, इसका बड़ा नाम सुना। ओए ओए ले भाई, फुल इंटरव्यू, फुल इंटरव्यू। इसको माफी है, आपसे पूछो सवाल यार। एक अच्छा सवाल है, जवाब दो इसको। यार वो दोस्त गए थे खाने वाने, तो उन्होंने पैदा। तेरे कितने दोस्त हैं जो हर जगह ही बड़े होते हैं खाना खाने के लिए? टकाटक को टकाटक इसलिए कहते हैं कि ये जो म्यूजिक बज रहा ना, जब टकड़क टकड़क टकड़क, यही वजह है इसकी। यार मेन्यू तो मुझे तो इतना खास ही समझ आ रहा है, मुझे मतलब मज़ा नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझ आया? मुझे भी नहीं आता, तेरा क्या सही मतलब? यार मेरा दिल नहीं मान रहा बाबा। यार वो टकाटक में जो कपूरों का बनता है भी, हम लोग कोई और जगह देखते हैं सहरी के लिए। और उसके अब ढूंढते ही हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए जल्दी निकले हैं ताकि ज़रा ढूंढ ढूंढ के कुछ पकड़े, सही वाली चीज़ खाए, कपूड़े कपूड़े नहीं खाने पे टका टक। चलो यार निकले, चलो कहीं और निकलते हैं यार। ये सहरी का जो अलार्म बजता है यहाँ पे, वो बज गया है। देख अब सहरी का भी टाइम हो गया यार, कुछ सहरी करा दो यार। कपूड़े खिलाने ले आया मैं, तू बड़ा कह रहा, बड़ा कहता है काका चलो काका है, कपूरे कपूरे खिलाने ले आया मैं यार। वैसे ना लोग बड़े पसंद होते हैं पता है, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा था खाने का। तो अच्छा तो पति ने टकटक पता क्या है? वो मेन्यू भी देख रहा पता, मुझे मुझे लिटरली नहीं पता ये टकटक क्या होती है यार। देखो टकटक कीमे का भी बनता है, टकटक बढ़िया अलग अलग चीजों का बनता है, काफी चीजों का बनता है। अब मैं ये है प्रॉपर टकटक शॉप मेरा, उधर ही मूड खराब देगा यार। चलो कहीं ना कहीं तो अभी हम लोग काका के बाद अनारकली फूड स्ट्रीट आए हुए, जो पुरानी फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे कोई बाबर के पाए खाने के लिए आए हुए हैं, मतलब पता नहीं कैसे होंगे, इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे यार। ओए बंदे से पूछ लेते हैं कोई खा रहा है, चला दोबारा से किसी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, या आप क्या हाल है? क्या हाल है सर, ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसा टेस्ट है? टेस्ट माशाल्लाह अच्छा है, टेस्ट जबरदस्त है, बड़ी बड़ा मजे का भाई। 3-4 साल से हम आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर खाने इधर ही खा ले, खा लेते हैं यार। चलो आप आपके कहने पे खाने लगे फिर भाई। आप ही तुसी इत्थे दो दो बुर्कियां ला लो ना, तुम चंगा लगे तो खा लो, साडे हिसाब नाल तो चंगा भाई। मेरी आपकी मेहरबानी है, हम खाते हैं फिर। इधर इधर बैठ जाए, ओके
इस बंदे के लिए हमने मंगवाए हैं चने, इस बंदे के लिए मंगवाए हैं हम पाए भाई, हम तो सारे पाए हैं भाई, हम सबके पाए हैं भाई। कद जुबान खाने के चक्करों में था इसने नहीं खाने कपूरे कपूरे। तो यार देखो सही रोड वाली जगह है, मजा आ गया यहाँ पे आके। ये बंदा चनों की चनों से ज्यादा ना फिलहाल कह रहा है मेरे सैरी ना था, मुझे मसाज करो भाई, मुझे मसाज करो यार। अभी हम निकल आते हैं, पिछली दफा हमने जब अल्टीमेट नाश्ते वाला व्लॉग बनाया था तब भी हम मैच देख के आ रहे थे ना, और उसके बाद पाए खाए थे हमने। दोबारा मैच देख के आ रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, दोबारा पाए खाने आ गए हैं। तो प्रॉपरली पूरा नाश्ता आ गया, खमीरी रोटियां साथ मंगवाई हैं हमने, और इन लोगों की पहले तो स्नैप स्टार्ट होंगी। बहुत आ रहा है चने, बहुत मजे के, बहुत मजे अच्छे यार। मैं चाहते हुए भी नहीं खा सकता, मुझे चनों से एलर्जी है। कोई बात नहीं, दिल मुझे बड़ा कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट मुझे बड़ा दिल करता है, लेकिन खैर है, पागल है आगे रोजा है भाई। तुमने रखा है पिछले वक्त में मजेदार। तो खाने पीने का तो काम हो गया सहरी का अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको लगा के बस होगी सहरी ना जी ना, हेलो में हो सहरी कर रहे हो और लस्सी भी ना पियो। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा भाई, ये तो लस्सी भी नहीं पीता। लाला तीन लस्सी कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल लस्सी है, लस्सी नथिंग, कोई नथिंग स्पेशल टू बी ऑनेस्ट। तुझे क्या लगता है? ठीक है, नॉर्मल अच्छी है, कोई इतनी स्पेशल नहीं है इसमें, लेकिन बुरी नहीं है, अच्छी है, अच्छी है, ये नहीं कह रहे कि बुरी है, लेकिन इट्स लाइक नॉर्मल, नथिंग स्पेशल। अच्छा, तो हमने ऑर्डर किए थे 5 खमीरी रोटियां, 1 पराठा, 3 लस्सी और पाए फुल प्लेट और चने हाफ प्लेट। तो टोटल हमारा माशाल्लाह से वैसे काफ़ी अच्छा बना, 1080। और खाना वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे जो है ना पर्सनली चने ज़्यादा पसंद है, मैंने चनों की सिर्फ मसाला खाया, लेकिन चने आउटकास्ट थे। नॉनवेज ज़्यादा मुझे पाए नहीं छे लगे, सीधी साफ बातें नहीं छे लगे। पाए वो नॉर्मल थे, पाए बिल्कुल नॉर्मल थे, जो आपको नॉर्मल घर पे या बाकी नॉर्मल शॉप पे भी मिल जाते हैं। लस्सी बिल्कुल नॉर्मल थी, वाओ लस्सी में भी कुछ भी स्पेशल नहीं, लेकिन सिर्फ चने अच्छे थे, चने बाकी यार बहुत मज़ा आते, और वल्लों वाला पराठा। सो ओवरऑल कितनी रेटिंग? चनों की रेटिंग मैं दूंगा अच्छी, मतलब 8 out of 10। पायों की और लस्सी की रेटिंग टू बी ऑनेस्ट इसलिए नहीं, बिकॉज नॉर्मल है, उसमें कोई इतना स्पेशल नहीं था, कुछ स्पेशल नहीं था। नासिर बोंग पाए वो काफी स्पेशल था, और जेडा लस्सी काफी स्पेशल थी। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, काका क्या कराने जा रहे हैं काके के पास? मसाज कराने, मसाज करवाने। बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, वो कपूरों वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के अभी हम लोग कराएंगे मसाज। पट्ठा चाट दो भाई। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में, जो इंशाल्लाह ताला होगा अफ्तारी का। अल्लाह हाफिज़।